आई एवरी वन वेलकम अगेन टू माई चैनल आप लोगों का एग्ज़ाम आई बिलीव अच्छा ही हुआ होगा अच्छे की डेफिनेशन क्या है वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शल है सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और उसके बाद बात करेंगे दो और चीज़ों की वॉट टू डू इन द नेक्स्ट फाइव डेज एंड वॉट टू डू इन द नेक्स्ट ट्वेंटी डेज पहले बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ़ की एग्ज़ाम हमेशा ही कुछ ना कुछ अनप्रडिक्टेबल चीज़ें लेके आता है इस बार भी वही हुआ अनप्रडिक्टेबिलिटी वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन लंबे थे स्पेशली क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग दे वर वेरी लॉन्ग बट एट द सेम टाइम क्वांट में मैंने देखा कि डी आई ईजी था एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था जो कि आसान था तो कहीं ना कहीं इफ द स्टूडेंट्स हैड मैनेज द टाइम वेल मैनेज द टाइम बेटर तो उनके स्कोर कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर ज़्यादा भी जाएंगे बट जिए क्योंकि लेंगी था जीए क्योंकि आर बी से काफ़ी ज़्यादा uh, मिलता जुलता था आर बी आई इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस था बेसिक स्टैटिक जी के जो आया करता था हमेशा से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था विच इज़ अ गुड थिंग आई बिलीव इट्स इट्स अ मूव इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज एनालिसिस के ऊपर फोकस बढ़ रहा है एप्लीकेशन के ऊपर फोकस बढ़ रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा गाली देते रहते हैं बोलते रहते हैं कि भाई ये क्या फैक्ट पूछ लिया परी चोपड़ा ने कौन सी साड़ी पहनी है कौन से फंक्शन में ये क्यों पूछ रहे हो

कट ऑफ सिक्सटी के आसपास रह सकती है क्योंकि लास्ट ईयर सिक्सटी सिक्स कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी अनिजर्व कैटेगरी की उससे थोड़ी सी कम तो जाएगी ही जाएगी इट कैन रिड्यूस बाय अप टू फाइव मार्क्स और अप टू टेन मार्क्स पांच से दस नंबर नीचे जा सकती है एंड दिस विल बी प्राइमेरिल बिकॉज ऑफ जनरल अवेयरनेस नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर सेक्शन इंग्लिश सिमिलर टू लास्ट ईयर लास्ट ईयर भी आसान था इस ईयर भी आसान था क्वांट टाइम मैनेजमेंट का खेल था क्वांट के अंदर

इसीलिए जीए में कट ऑफ नीचे जाएगी जाएगी ओवरऑल कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ की बात करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो सेक्शनल कट ऑफ को तो भूल जाओ वहां से तो ऊपर आपको परफॉर्म करना ही करना है आई वुड से 55 टू 60 समवेयर वेरी क्लोज टू 60 शुड बी दी कट ऑफ इन दी फेज वन एग्जाम अब अगर आपके उससे कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं इट डजेंट मैटर इसीलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने में इंटरेस्टेड हूं भी नहीं सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं अगले पाँच दिन में करना क्या है वॉट शुड यू डू कई शादी में जाते हो अपने भाई की शादी बहन की शादी दोस्त की शादी दो तीन दिन तो वेस्ट करके आते हो पहले दो तीन दिन तो शॉपिंग करोगे उसके बाद वहाँ जाओगे एक दो दिन वहाँ रेस्ट करोगे चिल करोगे नाचोगे गाओगे और फिर वापस आओगे उसके बाद एक दो दिन और ख़राब करोगे इन दी हैंग ऑफ द मैरिज राइट चार पाँच दिन आपने वेस्ट करें उसके बारे में पहले कोई नहीं सोचता कि यारे चार दिन वेस्ट हो जाएंगे इतने में मैं क्या अपना करियर बना लूंगा नहीं सोचते ना बिकॉज दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू यू वॉन्ट टू हैव फन सिमिलरली यहां पाँच दिन पढ़ने से क्या एलर्जी है मुझे समझ नहीं आता आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा मुझसे मत पूछो अपने आप से पूछो कि पाँच दिन में कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे पाँच दिन में कौन सा एग्जाम निकाल लोगे इफ़ यू डोंट प्रिपेयर फॉर आरबीआई फेज टू तो जहां एक साल लगाया है छः महीने लगाया है वहां पाँच दिन और लगा लो भाई ठीक है ना तो पाँच दिन आराम से बैठ के पढ़ो डोंट बी इन अ हरी डोंट बी इन सच अ हरी कि मैं पहले प्रेडिक्ट कर लूँ मेरे पचास नंबर आ रहे हैं तो पढ़ते ही नहीं है फिर तो छोड़ देते हैं एग्जाम की तैयारी क्यों करनी पाँच दिन क्यों वेस्ट करने प्लीज़ डोंट डू दैट टू योर अपनी जिंदगी ऐसे खराब ना करें ये गलत पता नहीं टेलीग्राम पर कहाँ पे कैसे सोच डेवलप कर लेते हो आप लोग प्लीज डोंट डू दिस ठीक है ना अपने साथ ऐसा ना करें गो इन द राइट पाथ अगले पाँच दिन विदाउट वरिंग अबाउट द कट ऑफ विदाउट वरिंग अबाउट योर मार्क्स जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम अगले पाँच दिन ये एज्यूम करके चलो वी शुड हैव दिस मच कंट्रोल ऑन आर माइंड कि चाहे रिजल्ट कोई भी हो मेजर फेज वन हो या ना हो पांच दिन मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है द नेक्स्ट फाइव डेज आर ओनली डेडिकेटेड टू वर्ड्स माई प्रिपरेशन फॉर फेज टू दैट्स इट दैट्स माई ओनली जॉब इन दिस वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट फाइव डेज उसके बाद मैं सोचूंगा अगर कुछ खराब होता है तो खराब नहीं होता है तो आई विल कंटिन्यू विद माई स्टडीज आई नो कि अगर ये स्टूडेंट्स दस हजार पंद्रह हजार स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे मुझे अब भी पता है इंटी परसेंट स्टूडेंट्स नहीं करेंगे अगले पांच दिन तैयारी आई नो दैट बिकॉज आई एक्सपीरियंस इन द पास्ट एज वेल बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू कैन नॉट बी इन दैट नाइन्टी परसेंट यू हैव टू बी इन द रिमेनिंग टेन परसेंट क्योंकि सिलेक्शन दस परसेंट बच्चों का होने वाला है so, तो आप पहले से ही दस परसेंट में घुस जाओ जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑलरेडी बढ़ ओके सो प्लीज बी इन दैट टेन परसेंट कैटेगरी जो अगले पांच दिन बिना एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सोचे हुए थे जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर

तैयारी से पहले ही मैं ले लूंगा सो आई विल स्टार्टिंग विद मॉक्स इमीडिएटली बट जब तक हम एंड मॉक तक पहुंचेंगे तब तक आपकी सारा रिविजन आपका हो जाना चाहिए जिससे कि आप मॉक अच्छे से लिख tomorrow. में 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 विल ये YouTube पे होगा और इसमें पूरे ही FM के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ज गोड भी अ डिस्क्रिप्टिव मॉक जितने भी मॉक्स होंगे वो सारे डिस्क्रिप्टिव ही होंगे बिकॉज आईम अगेन की आप ऑब्जेक्टिव मॉक आराम से बना लोगे तो डिस्क्रिप्टिव पे फोकस हम लोग करेंगे ऑन यूट्यूब एज वेल एज इन द कोर्स ठीक है आपको अगले तीन दिन क्या करना है इलेवेंथ जुलाई ट्वेल्थ जुलाई एंड थर्टींथ जुलाई नंबर वन थिंग एस आई रिविजन ऑफ ई एस आई ये पहले क्यों है फॉर द सिंपल रीजन की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैटेग इज मोर इंपॉर्टेंट वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सिलेबस से एग्जाम में तो इसीलिए उसको हम एंड में कवर करेंगे थोड़ा लेट कवर करेंगे सो दैट वी कैन रिमेंबर मोर ऑफ इट ई एस आई को पहले कवर कर रहे हैं एंड बिकॉज आर टर्बुलेंट टाइम्स डेज आपका वैसे मन नहीं रहेगा पढ़ने में वाई नॉट कवर समथिंग विच इज लेस रेलिवेंट बट स्टिल रेलिवेंट फॉर द एग्जाम तो ये तीन चीज करोगे आप तीन दिन में तीन दिन में यू टू कवर ई एस आई पूरा सिलेबस एक बार आपको खत्म करना है करंट अफेयर्स रिविजन अब आपको करंट अफेयर्स रिविजन में एटलीस्ट सिक्स मंथ्स की पी आई बी टू फोर सेवन एंड टू फोर सेवन कवर करना है एटलीस्ट सिक्स मंथ्स इस वन से पहले मैंने जैसे ही सिलेबस आया था मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के स्टूडेंट्स को बोला था कम्युनिटी पोस्ट पे भी वीडियोस में भी शॉर्ट्स भी बनाई थी कि भाई आरबीआई टू फोर सेवन को कर लो वहां से पेपर आएगा ही आएगा क्यों आएगा बिकॉज ऑफ द वे द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड इट वॉज वेरी एक्सपेक्टेड की आरबीआई टू फोर सेवन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसीलिए कर्णिमा मैम ने इतना डिटेल में बार 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 आपको आरबीआई टू फोर रिवाइज करवाया है ये हमें पता था आई एम नॉट आप पीछे जाके देख सकते हो वैन द नोटिफिकेशन केम एम वेन द सिलेबस केम मैंने वीडियोस में भी बोला है और शॉर्ट्स बना के भी बोला है कि भाई आरबीआई टू फोर सेवन को ढंग से पढ़ लो वहाँ से क्वेश्चन पेपर बनेगा क्योंकि सिलेबस इस तरह से चेंज किया गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको पकड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको नहीं पकड़ा ठीक है आपको क्या करना है अगले बीस दिन में करंट अफेयर्स जो है उसको रिवाइज करना है विच इंक्लूड्स पी आई बी टू फोर सेवन आरबीआई टू फोर सेवन एंड टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स आपको पता है इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्कीम्स एनुअल सर्वेज इंडस्ट्रीज रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे बजट ये सारी चीजें आती है टॉपिक बेस्ड करंट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स होता है पी आई बी टू फोर सेवन आरबीआई टू फोर सेवन कुछ लोग बोलेंगे स्पॉटलाइट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है स्पॉटलाइट पढ़ना है बट सेलेक्टिवली पढ़ना है उसमें से क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है कौन से सेक्शंस uh, पढ़ने हैं वो नेहा मैम आपको शॉर्टली कुछ टाइम में बता देंगे अलग से वीडियो बना के ओके फॉर नाउ रिमेंबर करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स एंड एंड टॉपिक बेस्ड ये आपका डेली चलेगा फॉर द नेक्स्ट डेज इसको रोकना नहीं है बिकॉज यहीं से मेजोरिटी पेपर आपका बन के आएगा फिर से बता रहा हूँ अब आपने तीन दिन में रिविजन किया करंट अफेयर्स का तीन दिन में ई एस आई का रिविजन किया और फर्स्ट डे आपका मॉक हुआ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का थर्ड डे आपका मॉक होगा इंग्लिश का विच इज अगेन गुंड बी ऑन यूट्यूब दिस इज गुंड बी अगेन अ लाइव मॉक लाइव मॉक होगा आप uh, मेरे साथ ही लिखोगे और उसके बाद हम चेक करेंगे आपके आंसर्स ऑन द स्पॉट एज वेल ठीक है ना ऑन द स्पॉट ही चेक होंगे लाइव क्लास में ही आपको इमीडिएट फीडबैक मिलेगा कि मेरे ने मैंने क्या गलती करी और क्या सही लिखा है ऐसे ही हमारा फोर्टींथ जुलाई को थर्ड मॉक होगा विच इज गड बी ऑन ई एस आई विच इज अगेन गुंड बी ऑन यू यहां से 14 जुलाई से यू विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन ऑफ फाइनेंस फाइनेंस का डे वन है फाइनेंस को टोटल मैंने पांच दिन दिए हैं क्यों पांच दिन दिए बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सिलेबस और यहाँ इसकी रेलिवेंस बहुत ज्यादा है तो पांच दिन में कवर करना है करंट अफेयर्स रिविजन आपका चलता रहेगा डेली उसको रोकना ही नहीं है आपको कोई पॉइंट नहीं है उसको रोकने का थोड़ा ब्रेक लेके सेवेंटींथ जुलाई से दो से तीन दिन का ब्रेक लेके सेवेंटीन जुलाई से आपके फिर से मॉक स्टार्ट होंगे स्टार्टिंग विद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होगा यूट्यूब पे नहीं होगा दिस विल बी मॉक ऑफ एफ ठीक है टॉपिक बेस्ड करेंट अफेयर तो लिखा हुआ है बट आईव गिवन सेपरेट टाइम इन स्पेस फॉर टॉपिक बेस्ड करेंट अफेयर गवर्नमेंट स्कीम्स एनुअल सर्वे ये दोनों मैंने अलग से टाइम दिया है नॉट एबल टू कंप्लीट इट बिफोर फिर यहाँ पे कवर कर सकते हो रिविजन मैनेजमेंट का स्टार्ट होगा आपका नाइनटीन जुलाई से ठीक है ना इसको मैंने टोटल आई थिंक चार दिन दिए हैं बिकॉज इट्स इजियर देन फाइनेंस फास्टर टू रिवाइज तो आप तीन से चार दिन में रिवाइज कर सकते हो इसको आराम से ये आपका चलेगा चार दिन रिविजन और उसके बीच में आपका ई एस आई का मॉक होगा एक ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई को ठीक है उसके बाद मैनेजमेंट आपका चार दिन में रिवाइज हो गया एफ का आपका मॉक हुआ ट्वेंटी फोर्थ जुलाई को ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई तक हमारा सारा सिलेबस एक बार कवर हो गया है इफ यूर एबल टू कवर इट ट्वाइस द बेटर फॉर यू उसके बाद हम लोग आ, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मॉक स्टार्ट करेंगे जैसे ट्वेंटी जुलाई को हमने लास्ट मॉक लगाया इंग्लिश का कोर्स के अंदर और ट्वेंटी जुलाई से हम लोग फुल डे मॉक स्टार्ट ठीक है तो 27 जुलाई को फुल डे मॉक होगा जिसमें सबसे पहला मॉक ई एस का होगा बिकॉज एग्जाम में एफ पहले होगा फिर ई का मॉक होगा क्योंकि एग्जाम में फिर ई होगा और लास्ट में हमारा इंग्लिश का मॉक होगा इस तरह से हम लोग चलेंगे ठीक है ना एफ एम ई एस आई इंग्लिश ये हमारा सीक्वेंस होगा हो सकता है बीच में हम लोग थोड़ा चेंज करें थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें और एनी अनप्रडिक्टेबिलिटी दैट माइट हैपन इन द एग्जाम बट हम लोग तो, या तो ई ए एस आई एफ एम इंग्लिश या एफ एम ई एस आई इंग्लिश ये सिक्वेंस फॉलो करके फुल डे मॉक रखेंगे वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ दिस फुल डे मॉक सो दैट यू गेट यूज टू द एग्जामिनेशन क्योंकि आप अभी तो क्या करते हो दो घंटे का मॉक लेके बैठ जाते हो रेस्ट कर लेते हो एग्जाम में बैक टू बैक है बस बीच में एक लंच का ब्रेक है और बैक टू बैक है तो so, वहां पे जो मेंटल स्ट्रेस होता है दैट इज़ ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल ऑलटूगेर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट यूज टू इट इसलिए ऐसे दो मॉक्स मैंने यहाँ पे डाले हैं सो दैट यू गेट यूज टू इट लाइव मॉक ई एस आई का नेक्स्ट डे होगा और उसके बाद आपका ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई को अगेन अनदर फुल डे मॉक एफ एम ई एस आई इंग्लिश तीनों का ये होने वाला है थर्टीथ को आपको एग्जाम डे अब आपको जो अपनी पढ़ाई है वो इस सीक्वेंस के हिसाब से इन मॉक्स के हिसाब से मोल्ड करनी है उल्टा नहीं जाना है ऐसा नहीं सोचना है कि पहले मैं पढ़ लूँ फिर मैं मॉक लिख लूंगा अपने हिसाब से नहीं जिस दिन मॉक है उससे पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए उस मॉक से रिलेटेड सब्जेक्ट तभी आप एग्जाम में एक्सेल कर पाओगे अदरवाइज यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन ठीक है ना बहुत सिंपल तरीका है मेरा मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है जो भी 90 परसेंट स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है बट जो गलतियां वो कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी है वहां पे सही चीज़ करनी है वॉट इज द मिस्टेक दैट दर मेकिंग पहले पांच दिन पढ़ते नहीं है नंबर वन सेकेंड मॉक्स कम लगाएंगे या तो या रैंडमली लगाएंगे नंबर टू ये दो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी आपको मॉक्स के हिसाब से अपना कोर्स रिवाइज करना है और आपको अगले पांच दिन पढ़ना है नंबर थ्री करेंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे बिकॉज मोनॉटनी आ जाती है तो लगता है कि करंट अफेयर्स नहीं हो पा रहा है या फिर बहुत बोरिंग है या फिर आता है दैट इज दैट वी नॉर्मली मेक ये तो आता है उल्टा करना है आपका दिमाग आपको बोल रहा है आता है 90% स्टूडेंट्स नहीं रिवाइज कर रहे ढंग से बिकॉज दे थिंक ये उनको आता है आपको रिवाइज करना है ऑटोमेटिकली आपके नंबर बनेंगे ही बनेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंबर ना ठीक है कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन बिलो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है एक्सपेक्टेड कितनी होगी उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया पाँच दिन में क्या करना है और ये भी बताया कि इन टोटल बीस दिनों में आपको करना क्या क्या है ठीक है ऑल द बेस्ट गाइज टेक केयर आई एल सी यू अगेन सून बाय